एवरीवन, वेलकम टू गुड्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम आप सामान देखकर समझ रहे होंगे कि बीटरूट का पराठा बनाने जा रहे हैं। ये मैंने एक कप गेहूं का आटा लिया है जिससे हम चपाती बनाते हैं, और मैं ये अजवाइन जो है इसमें क्रश करके डाल रही हूँ। आधा चम्मच इसमें जीरा डाल रही हूँ, अजवाइन मैंने एक चम्मच लिया है, नमक स्वाद के अनुसार है, और ये हमने लिया है कटा हरा धनिया, और एक हरी मिर्च को भी हमने बारीक काट लिया है। और आपको मैं यहां बताऊं, ये मैंने लिया है बीटरूट, ये एक कप से थोड़ा सा ज्यादा है, आप देख रहे हैं ग्रेट होके। पहले मैंने क्या किया, तीन चार मेरे पास छोटी छोटी बीटरूट रखी थी, उनको मैंने छील लिया धोकर अच्छे से, और फिर उनको बॉईल कर लिया बीच में से हाफ करके। ठीक है, बॉईल करने के बाद उसका जो पानी है वो भी मैंने रख लिया, बचा हुआ पानी, क्योंकि छिलका वगैरह नहीं था उसके ऊपर, बिल्कुल साफ बीटरूट था। और इसको मैंने ग्रेट कर लिया है, मैं इसका प्यूरी बनाकर नहीं बना रही हूँ, ग्रेट कर लिया है, तो जितना मुझे जरूरत होगी ना उतना मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी। एक चम्मच हम डालेंगे इसमें देसी घी, क्योंकि हम पराठे बनाने जा रहे हैं, और इसको ऐसे हाथ से मिक्स करेंगे, और हमें कुछ नहीं डालना है इसमें। अब हम ना इसमें थोड़ा थोड़ा ये बीटरूट डालेंगे, तो करीब आधा कप के करीब मैं पहले डालती हूँ, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए तरीका है बच्चों को खिलाने का, है ना, कभी कभी आप भी बीटरूट एकदम से ऐसे कच्ची खाना नहीं पसंद करते, तो आप इसको हल्का सा स्टीम करें, बॉईल करें। मैंने सैलेड की रेसिपी डाली है, आप सैलेड बना के खा सकते हैं। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा ये पानी डाल के, यानी दोनों चीज हमारी ये यूज हो जाएंगी, इसका एक सॉफ्ट सा डो लगाएंगे। और देखिए ये सारा पानी हमने इसमें यूज कर लिया है, क्योंकि थोड़ा ही पानी डाल के हमने इसको गूथा था, और ये भी हमने बीटरूट भी जितनी डाल सकते थे उतनी डाल ली है, और ये आधा कप से ना बहुत ही थोड़ी कम बची है, आप देखिए इसमें आधा कप से भी कम बची है इसमें बीटरूट, तो ये तीन कम से कम बीटरूट है, तो आप अपने हिसाब से उसको देख के यूज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम आटे को सॉफ्ट करके ना इसको फिर थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे, रेस्ट करने देंगे आटे को। कितना अच्छा इसमें कलर आ गया देखिए, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसकी लोइयां तोड़ेंगे। जितना बड़ा हमें बनाना है ना पराठा, उतनी बड़ी हम इसकी लोई निकाल लेंगे। तो सूखा आटा हाथ में लगाएंगे, और जितना बड़ा हमें पराठा बनाना है, देखिए मैं आटा जो है ना पराठे का सॉफ्ट लगाती हूँ, ताकि क्या है उसमें जो पराठा बने वो सॉफ्ट बने। तो हम इसको सूखा आटा लगाएंगे, जितना हार्ड जितना सख्त जितना टाइट आप डो बनाएंगे ना उतना ही पराठा आपका हार्ड बनेगा। तो अगर आपको पराठे सॉफ्ट बनाने हैं ना, या चपाती भी सॉफ्ट बनानी है, तो हमेशा याद रखिए कि उसका डो जो है वो सॉफ्ट लगाएं। अब हमने इसको सूखा आटा लगा लिया है लोई पर, अब हम बेलेंगे। देखिए कितनी आसानी से ही बिल रहा है, और कितना अच्छा ये कलर है, तो बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे, और एक डिफरेंट चीज मिलेगी, है ना। तो बीच में हम लगाएंगे इसके थोड़ा सा घी, घी ऑयल जो भी आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे, और इसको जो भी शेप आप देना चाहें उस शेप में आप इसको पराठे को बेल सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको फिर से हाथ से थोड़ा बढ़ाएंगे, थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे, और इसको पराठे को बेल लेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। और ये देखिए जो हमारा यम्मी सा पराठा है, जितना आप मोटा पतला रखना चाहते हैं ना उसी तरह से आप जितना बड़ा, ना मैंने ये बहुत बड़ा बनाया है ना बहुत छोटा है, मीडियम साइज का है। और ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, यहां से बहुत मोटा भी नहीं है। तो अब हम इसको डाल देंगे तवे पर, देखिए कितना सुंदर ये कलर लग रहा है। तवा हमने ऑलरेडी गर्म करना रख दिया है,
और इस पर हमने डाल दिया है ये पराठा। दोनों तरफ से पराठे को सिकने देंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तब तक हम दूसरा पराठा बेल लेते हैं। लोई को हमने तोड़ लिया है, ऐसे इसमें सूखा आटा लगा देंगे, हाथ से थोड़ा बढ़ाएंगे जैसे आप हमेशा पराठे बनाते हैं, और इसको बेल लेंगे। बहुत आसान है और कलरफुल बन जाता है, है ना। इसमें हम लगाएंगे, आप गोल भी बना सकते हैं। इसमें हम लगाएंगे थोड़ा घी, सूखा आटा डस्ट करेंगे, और तिकोना बनाना है तिकोना बनाइए। ये इस तरह के कॉर्नर से मैं बनाती हूँ पराठा, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चकोर बनाना है चकोर बना लीजिए, और बस इसको बेल लीजिए। आप जरूर ट्राई कीजिएगा, नमक आप स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं, और कोई भी चीज मत डालिए, बस धनिया और बीटरूट। देखिए कितना अच्छा ये आटा लगकर तैयार है। पराठा ना हमने दोनों तरफ से सेक लिया है, देखिए आप देख सकते हैं। अब आप घी ऑयल जो भी लगाना चाहें उसे लगाकर सेक सकते हैं, और बीटरूट को ना बॉईल करना जरूरी है, उससे टेस्ट जो है अच्छा आता है और पका हुआ रहता है। तो अब हम इसको प्रेस करते हुए सेक लेंगे पराठे को, मीडियम फ्लेम पर हम सेकेंगे, और ये देखिए फूला फूला पराठा तैयार है। अगर हम घी लगाते हैं ना अंदर तो ये इस टाइप से फूल जाता है। ये देखिए कितना बढ़िया पराठा बनकर तैयार है। पराठा दोनों तरफ से अच्छे से सेक गया है, और हम दूसरा पराठा भी इसमें डाल देंगे, और आपको मैं पास से दिखाऊं। देखिए हल्का हल्का ब्राउन है और ये सिक गया है, कलर इसलिए नहीं क्योंकि ये देखिए कितना सुंदर है। तो दूसरा पराठा सेकने की इंतजार करते हैं, और ये देखिए ये पराठा भी हमारा सिक कर तैयार है। गैस को ऑफ करते हैं और प्लेटिंग करते हैं, और ये देखिए हमारा ये यमी सा लगने वाला बीटरूट पराठा बनकर तैयार है। दही के साथ खाइए, दही में हमने थोड़ा सा जीरा डाला है। ये हमने हरी चटनी बनाई है, जितनी चाहिए उतनी लीजिए, मक्खन से खाइए, बट जरूर ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज।